porque has bello, sí. गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना टले, चाहे पढ़े ले चारों वेद। गुरु जी के चरणों में वंदन, माता बहनों और मित्रवत सबके चरणों में वंदन। आठ दिन पहले राजू भाई का फोन आया था कि मैं एक अध्याय भेज रहा हूं आपको, साम गान विधान। तो उस अध्याय के ऊपर आप कुछ प्रकाश से प्रकाश डालो। तो कुछ अग्नि पुराण के ही मंत्र हैं सामवेद के। अध्याय दसवां 1321 मंत्र, यत इंद्र भयावहे ततो नो अभयंकुरु, मघवन छग्दि तव तन्न ऊतये विद्विषो विमृदो जहि। मंत्र में कुछ मैं विश्लेषण करना चाहता हूं, कर तो नहीं सकता, फिर भी यहां पर एक भावार्थ है कि हे इंद्र, हमको किसी भी शत्रुओं का भय न लगे। तो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि पंकज भाई और राजू भाई ये सब इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उन देवता इंद्र से मैं प्रार्थना, हम सब प्रार्थना करते हैं, इन दोनों को भय मुक्त बनाओ और सदैव इन दोनों की आप रक्षा करें भगवान इंद्र नारायण। और अभी तो कार्यक्रम हरिद्वार में करने जा रहे हैं, तो आपको इतना समर्थ बनाए कि भगवान इंद्र सदैव आपकी रक्षा करे। शत्रु तो वैसे है नहीं आपके, फिर भी आपके समस्त शत्रु आपसे दूर भागे, ऐसी हम इंद्र को प्रार्थना करते हैं। मंत्र नंबर 607 अध्याय छठा, यहां पर मंत्र है, समन्यायन्त्युपयन्त्या न्याहा समानमुर्व नदस्प्रिणान्ताहा, आकाशात् परितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। गुरुजी से प्रार्थना है कि यहां पर विश्लेषण ऐसा है कि बादल से जैसे जल पृथ्वी पर गिरता है, वैसे यहां पर गुरु जी का ज्ञान हम सबके ऊपर गिरता है, और वो गिरता हुआ जल पृथ्वी पर पड़ता है, और पृथ्वी पर पहले से ही थोड़ा सा जल वहां पर रुका हुआ होता है। जैसे गुरु जी का ज्ञान हमारे ऊपर आता है और हमारे द्वारा, हमें ज्यादा तो नहीं, अल्प ज्ञान और गुरु जी का ज्ञान दोनों वहां पर मिश्रण होता है, और वो जल जो आकाश से गिरता है और वो जल जो पृथ्वी पर पहले से ही विद्यमान है, वो दोनों मिलकर कहाँ जाते हैं, समुद्र की तरफ जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी का ज्ञान, हमारा अल्प ज्ञान, दोनों मिलकर हम इस पुराण 18 पुराण और जो भी पुराण हमने सुने हैं वो ज्ञान संसार में हम सब बांटते रहे, और गुरु जी का नाम और नंदालय का नाम भी हम रोशन करते रहे। कोई पूछे तो कहाँ से पढ़े हुए, कहाँ से ज्ञान लिया है, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि नंदालय से ये ज्ञान हमने अर्जित किया है। एक मंत्र है दूसरा, 918 मंत्र सामवेद का 5वां अध्याय, मा पत्वायनो नरेंद्राग्नि मा विविशक्तये मानो रीदितम निंदये। यहाँ पर इंद्र द्वारा ये कहा गया मंत्र है, पर यहाँ पर गुरुजी नरेंद्र गुरुजी यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इंद्र से यहाँ पर प्रार्थना है, पर हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हमको भी भय मुक्त बनाओ, इतना आशीर्वाद प्रदान करो कि हमें कभी भी ज्ञान का अहंकार कभी भी ना हो, ईर्ष्या हमारे अंदर कभी भी आए भी नहीं, और जितना आप से ज्ञान हमने लिया है वो ज्ञान हम सदा बांटते रहे। महात्म्य में अंदर अंतिम अध्याय में शतकोटि प्रविस्तरम पढ़ा मैंने
कि यहाँ अग्नि पुराण में तो यहाँ पर 14,000 पंकज बेने का आसपास मंत्र है, और वहाँ पर देवलोक में 1 अरब शतकोटि प्रविस्तरम, 1 अरब मंत्र वहाँ पर है, और देव सदा उन मंत्रों का सदा ज्ञान, सदा हर रोज उनको ये मंत्र सुनते हैं और सुनाते हैं। तो इतना अग्नि पुराण का महत्व है। मैं एक बार फिर गुरु जी के चरणों में वंदन करता हूँ, और राजू भाई और पंकज भाई को सदैव परमात्मा उनको शक्ति प्रदान करे और धन प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे और आयुष्य उनकी दोनों की बलवान बनाए। यही भगवान अग्नि पुराण और कुरु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण से हम सब मैं नहीं, हम सब ये प्रार्थना करते हैं कि आगे की यात्रा जो है वो सुलभ रहे। गुरु जी के चरणों में जय हो। प्रकाश जी, आपने बहुत प्रकाश डाला, संध्या का समय है, प्रकाश की आवश्यकता भी थी, लेकिन